देख रही हो सुषमा, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से में जिसका नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बस इस उम्र में यही दिन देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटों और बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे थे। घर संपत्ति जमीन जायदाद का बंटवारा करके मन नहीं भरा इनका, तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए हैं। आप चिंता मत करिए, अभी हमारे दुख के दिन हैं, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जगमोहन जी और सुषमा जी के दो बेटे विवेक और अमर, बड़ी बहू शोभा और छोटी बहू स्नेहा संयुक्त परिवार के हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे अमर की पत्नी स्नेहा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं पकती थी। स्नेहा जो भी काम करती वह शोभा को बिल्कुल ना सुहाता और शोभा जो भी काम करती वह स्नेहा को ना सुहाता। बहुत बार तो दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ जाती, जिसका खामियाजा बिचारे जगमोहन जी और सुषमा जी को भुगतना पड़ता। जब दोनों में लड़ाई होती थी, दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपति को चाय नाश्ता या खाना देने तक राजी न होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को भी कह देती कि वे बाहर ही खाना खा ले और बच्चों को भी स्कूल के कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे का मुंह न देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई यह देखने तक नहीं आता कि उसके सास ससुर ने पूरे दिन कुछ खाया भी है या नहीं। सुषमा जी खुद ही इस अधेर उम्र में रसोई में जाती और अपने और जगमोहन जी के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना लाती। उस पर भी बड़ी बहू शोभा बोल पड़ती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ देती हैं आप, अब कौन साफ करेगा इसे। न शोभा रसोई साफ करती और न स्नेहा, आखिरकार बिचारी सुषमा जी को ही रसोई भी साफ करनी पड़ती। सुषमा जी से अब रसोई का ज्यादा काम नहीं होता था, एक तो उम्र हो चली थी और उस पर शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ ले तो उन्हें खाना बनाना ही पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें पूरा आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। जगमोहन जी कहते भी थे, सुषमा दो दो बहुओं के होते हुए तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ता है, क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने बेटों की शादी करवाई थी। जगमोहन जी और सुषमा जी का यह संयुक्त परिवार जगमोहन जी द्वारा बनाए गए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें जगमोहन जी और सुषमा जी नीचे के कमरे में रहते थे और दोनों बेटे और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरे में रहते थे। दोनों बहुएं आजादी के साथ जीना चाहती थी, यहाँ कोई भी किसी के साथ नहीं रहना चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना पसंद था, इसीलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपति तो पूरे दिन घर में ही रहते, वे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर जगमोहन जी बोले, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है, तुम्हारी पत्नियाँ अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में न जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं की आपस में नहीं पकती है तो वे दोनों घर के काम बांट ले, सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाल ले और शाम की रसोई छोटी बहू। उस दिन से घर के सारे काम बांट लिए गए, सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती और शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से जगमोहन जी और सुषमा जी को दो वक्त का खाना मिल जाता। ना मिलता तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना रहता था और बहुएं तो वैसे भी सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन सुषमा जी ने अपनी छोटी बहू स्नेहा से कहा, आज खाने में नमक ज्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला करो। सुषमा जी के इतना कहते ही स्नेहा ने गुस्से में कहा, तो आप एक काम क्यों नहीं करती माँ जी, दोनों समय का खाना आप अपनी लाडली बड़ी बहू के पास ही क्यों नहीं खा लेती। एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनकी सुनो भी। एक तो इतनी गर्मी में सभी का खाना बनाओ और ऊपर से इनके नखरे भी सहन करो।
मुझसे नहीं होता रोज रोज का खाना बनाना। जब बड़ी बहू शोभा को यह बात पता चला कि स्नेहा ने माँ जी से ऐसा कहा है, तो उसे लगा कि कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ही न खिलाना पड़े। माँ जी, जो मिले खा लिया कीजिए ना, बेवजह किसी को क्यों टोका टोकी करती रहती हैं? आप तो जानती ही हैं ना कि हम लोग तो बाहर का खाना भी खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है ना, तो इसीलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले चबा लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके नखरे नहीं सहन करेगा। उस दिन जगमोहन जी और सुषमा जी यह बात भी अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को जैसे तैसे रोटी तो खिला ही रहे हैं, इसीलिए अब से जो कुछ भी खाने को मिलता वे लोग चुपचाप खाना खा लेते। उधर दुकान में विवेक और अमर की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। विवेक कहता, अमर दुकान से ज्यादा पैसा उठाता है, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही थी, और अमर कह रहा था विवेक उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जबकि विवेक दुकान से ज्यादा पैसा उठाता है। खैर, सारी बातों का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं, और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो कमाई होगी उसके आधे आधे दो हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया विवेक के हिस्से और इस गांव से दूर दूसरे गांव का मकान आया अमर के हिस्से। जमीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी जाएगी। यह सब सुनकर और देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश थी। मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि बड़े भैया भी खुद कौन से दूध के धुले हुए हैं। दुकान से हर महीने ज्यादा पैसे उठाते हैं, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर, इल्जाम ही लगा दिया। वहाँ विवेक की पत्नी शोभा भी बहुत खुश थी। अब इस सीमा का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा, मैं तो पहले ही आपसे कहती थी एक नंबर के चोर हैं यह दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों बेटे और बहुएं अपने माँ बाप को तो जैसे भूल ही गए थे। जगमोहन जी और सुषमा जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे, जो भी बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। उतने में बड़ी बहू शोभा बोली, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीजों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मार देंगे इनको। दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई और चारों मिलकर बाहर पर्ची बना रहे थे। बस बाहर का यह नजारा देखकर जगमोहन जी आज चिंतित हो गए थे। सुषमा जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह जगमोहन जी के बिना कैसे रह पाए। जगमोहन जी और सुषमा जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा अमर बोला, माँ, आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है, तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए और पिताजी यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। जगमोहन जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया। तुम होते कौन हो हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम होते कौन हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम जैसे नालायक बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में? जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट दिया, वह पुश्तैनी मकान भी मेरा है, यह कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों का यह नाटक मैं कब से देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोलकर सुन लो, इस गांव से दूर हमारा मकान है,
जो अमर के हिस्से में आया है। बंटवारे में तुम दोनों भाई उस मकान के दो हिस्से कर दो और जाकर वहाँ बस जाओ। मैं और सुषमा हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम लोग छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा ही बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कांता बाई, जो सभी के लिए टिफिन बनाती है, उससे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां, जो अब तक बहुत खुश थे, उनके पूरे प्लान पर पानी फिर चुका था, क्योंकि उनके हाथ से वह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब तीन हिस्सों में करनी पड़ेगी। और जो गांव से दूर मकान था, वहां एक दूसरे के बगल में रहकर रोज एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने की सोचते हैं, उनका ऐसा ही हाल होता है। जिस माता पिता को भगवान ने शादी जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, उस माता पिता को बच्चे अलग करने का पाप कैसे कर सकते हैं? माता पिता एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा है, एक दूसरे की लाठी है। हो सके तो यह पाप करने से हमेशा बचें। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।